हर हर महादेव। इस वीडियो को वॉच करके आप चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस जो 2022 में मैंडेटरी कर दिया गया है, साथ में फॉर्म को फिल करते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, इस वीडियो में जानेंगे। गूगल पर जैसे ही आप केदारनाथ टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो एक साइट ओपन होगी, badrinath-kedarnath.gov.in। साइट ओपन होते के साथ ही नीचे की साइड में साफ लिखा रहा है कि प्रायर रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर यात्रा, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको नई वेबसाइट जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है उस पर रिडायरेक्ट कर देगा। इन दोनों वेबसाइटों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको तीन तरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले हम क्रिएट प्लानिंग करेंगे, देन ऐड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में अन्य सेवाओं पर को जानेंगे। तो चलिए पहले टूर की प्लानिंग करते हैं और उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैंने पहले से ही टूर की प्लानिंग की हुई है तो ये सामने शो कर रहा है। हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और जो सामने डिटेल्स आ रही है उनको फिल करेंगे। अब टूर टाइप पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें हम चार धाम पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देन अपना नाम फिल कर देंगे। नाम फिल करने के बाद टूर की डेट डालेंगे जिस डेट में आप उत्तराखंड में एंट्री कर रहे हैं, तो वो डेट हमको फिल करनी है। बट 3 मई से ही आप टूर को स्टार्ट कर पाएंगे, उससे पहले सिस्टम नहीं ले पाएगा। तो जो भी प्रीफर डेट है आपकी उस डेट को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देंगे। देन नंबर ऑफ पर्संस जो आपके साथ जा रहे हैं उनको एंटर करेंगे। अब आपको एक स्पेसिफिक डेट जिस डेट पर आपको अपनी इन सभी डेसिग्नेशन में से किसी एक पर पहुंचना है वो डेट फिल करनी है। जैसे मुझे केदारनाथ 5 मई को पहुंचना है तो मैंने 5 मई फिल कर दी है और ऐड कर दिया है, तो मेरा टूर प्लान सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया है। नेक्स्ट आपको टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा और यह इस रजिस्ट्रेशन का सबसे मेन पार्ट है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के साथ ही काफ़ी सारी डिटेल्स आपके सामने फिल करने के लिए आ जाएंगी। वन बाई वन इनको फिल करेंगे। जैसे कि प्लान योर डेस्टिनेशन में केदारनाथ अपना आप ले लिया है क्योंकि हमने टूर प्लान पहले से ही किया हुआ था। अपना फुल नेम डालेंगे। फुल नेम डालने के बाद में अपनी एज फिल करेंगे, देन जेंडर फिल करेंगे और अपनी ईमेल आईडी मेंशन करेंगे यहाँ पर। अब टूरिस्ट का मोबाइल नंबर फिल करना मैंडेटरी है तो वो फिल करेंगे। देन कंट्री सेलेक्ट करेंगे, इंडिया। देन हमें अपना एड्रेस फिल करना है जो हमारा गवर्नमेंट आईडीज में एड्रेस है, और एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा कि उनके पास एक डाटा रहेगा हर टूरिस्ट का। अब अपनी सिटी को फिल कर देंगे जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट और आगे स्टेट्स को फिल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में टूरिस्ट का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हमको फिल करना पड़ेगा और यह भी मैंडेटरी है। जिस पर्सन से कॉन्टैक्ट हो सके उस पर्सन का नाम यहाँ पर फिल करना है। देन एक मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड करना है जो आपके किसी रिलेटिव का होगा और जो घर पर होगा, और उस पर्सन से क्या रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ फिल करना है। देन मोड ऑफ ट्रेवल पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ भी कई सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो मैं पर्सनली बस से ट्रैवल कर रहा हूँ। अब आपको एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा जो कि लेस देन 1 MB का होगा, तो 1 MB तक का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। और फिर कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे यहाँ पर। अगर आपका कोविड वैक्सीनेशन हुआ है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, और टिक करने के बाद आप अपने कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देंगे। ये डिटेल्स वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के टॉप साइड में दी हुई होती हैं, तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और देन आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपका एक साइड में PDF जनरेट हो जाएगा। उस PDF को आप प्रिंट आउट ले सकते हैं जो कि फ्यूचर में आपके काम आएगा। इसी वेबसाइट के थ्रू आप हेली सर्विस की भी बुक कर सकते हैं और होटल बुकिंग भी कर सकते हैं GMVN के काफ़ी सारे होटल्स को। इस पर क्लिक करने के बाद आप GMVN की मेन वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो पूजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।